हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो DDC वीडियो सीरीज़ का 7वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएंगे, या फिर ऊपर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, आज का जो वीडियो है वो रिलेटिव इंडेक्स से रिलेटेड है। रिलेटिव इंडेक्स DDC की Volume 3 है, यानी कि तीसरी बुक। तो ये जो तीसरी बुक है, ये अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 1217 पेजों की है। और इस बुक के अंदर जो है, कोई सा भी सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट लें, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी विषय हो सकते हैं, उनको वहीं पर ही उसी के स्थान पर उसी के साथ रखा गया है। तो कहने का मतलब है, रिलेटिव इंडेक्स में किसी भी विषय के सभी संबंधित विषयों को एक साथ एक ही जगह पर रखा गया है, जबकि जो शेड्यूल था, शेड्यूल के अंदर उसको बांट दिया गया था। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आयरन से रिलेटेड आपको कोई साइंस पढ़नी है, ठीक है, यानी कि लोहे का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, तो वो आपको अगर आप शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो प्योर साइंस के अंदर मिलेगा, क्योंकि जो साइंस है वो प्योर साइंस के अंदर ही मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आयरन की टेक्नोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, तो लोहे की तकनीक आपको जो मिलती है वो मिलती है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप आते हैं रिलेटिव इंडेक्स में और आपको सर्च करना है आयरन टेक्नोलॉजी, तो आयरन टेक्नोलॉजी को सर्च करने के लिए आपको आयरन देखना है, वहीं पर आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, वहीं पर उससे रिलेटेड साइंस मिल जाएगी, वहीं पर उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्री होगी तो वो मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है, एक ही विषय या फिर कोई सा भी विषय, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो रिलेटिव इंडेक्स में एक जगह पर दिखाए जाते हैं। तो देखिए, ये तो यहाँ पर सिंपल हो गया कि रिलेटिव इंडेक्स क्या है। तो रिलेटिव इंडेक्स DDC की तीसरी बुक है, कितने पेजों की है, लगभग 1000 से ऊपर पेज हैं। यहाँ पे क्या विशेषता है इसकी, इसके अंदर एक विषय से रिलेटेड जितने भी विषय होते हैं उसको एक साथ रखा जाता है। अच्छा, अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, वहाँ पर जो है ना, हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जो हम सामान्य जानकार व्यक्ति हैं, हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं DDC की, तो हमारे लिए DDC में क्लास नंबर बनाना कई बार कठिन हो जाता है, यानी कि मुश्किल हो जाता है, हम नहीं बना पाते। तो इसीलिए उस क्लास नंबर को आसान बनाने के लिए, कि आप आसानी से क्लास नंबर बना सकें, तो इसीलिए रिलेटिव इंडेक्स को बनाया गया। तो यही इसकी आवश्यकता का कारण था कि हर एक व्यक्ति जो है वो क्लास नंबर बना सके। अब इसके बाद देखिए, लास्ट टॉपिक जो है DDC का प्रयोग, ये बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जितने भी जो डायरेक्शन है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले की। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो A to Z के क्रम में है, यानी कि इनका जो सीरियल नंबर है या जो सीरीज़ है ये पूरी, ये A to Z मिलेगी, जैसा कि आपको इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में मिलता है। इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश की डिक्शनरी में पहले A वाले शब्द होते हैं, फिर B वाले शब्द होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर A वाले सब्जेक्ट पहले होंगे, फिर B वाले सब्जेक्ट होंगे, फिर ऐसे करके Z तक जाएंगे सब्जेक्ट सारे, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी क्लास नंबर है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर आप कोई सब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर रिलेटिव इंडेक्स में, तो आपको क्या करना है, उसका जो पर्यायवाची है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो दूसरा शब्द है जो कि यूज़ किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी कि पश्चिमी देशों में, वो आपको यूज़ करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, प्राइमरी एजुकेशन को अगर आप सर्च कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको उसकी जगह सर्च करना होगा एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको जो है उससे रिलेटेड क्या करने हैं, जो सिमिलर शब्द होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक ही स्थान पर, वो देखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पर, कि यहाँ पर टॉपिक क्या है कि आपको अगर कोई सा भी सब्जेक्ट सर्च करना है तो उससे संबंधित मुख्य विषय में आपको सर्च करना है उसको। जैसे कि देखिए, अभी मैंने बताया ना आपको कि अगर आयरन टेक्नोलॉजी सर्च करनी है तो आप जाएंगे आयरन में, वहाँ पर आपको आयरन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर आपको एसिड सर्च करना है, एसिड में कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आपको सर्च करना है, तो आपको ऑर्गेनिक एसिड नहीं सर्च करना है, आपको सर्च करना है एसिड्स, वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक एसिड्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी विषय को अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मुख्य विषय में सर्च करें। अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल में, आगे समझेंगे। अच्छा, एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, वो ये है कि आपको रिलेटिव इंडेक्स में अगर कोई सा भी क्लास नंबर मिल जाता है, जैसे कि आपने सर्च करा आयरन और आयरन का आपको कोई क्लास नंबर मिल गया, तो आपको उसे सीधा यूज़ नहीं करना है, आपको उसको एक बार शेड्यूल के अंदर जाके चेक कर लेना है। अब ये चेक क्यों करना है? चेक इसलिए नहीं करना है कि रिलेटिव इंडेक्स हमें गलत नंबर बताएगा, ऐसा नहीं है, रिलेटिव इंडेक्स हमें सही नंबर बताएगा,
लेकिन शेड्यूल के अंदर जो है उसको यूज़ करने के जो डायरेक्शन है वो दिए गए हैं कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। हो सकता है आपको उसके साथ कोई टेबल का नंबर ऐड करना हो, तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो वहाँ पर मिलेगी शेड्यूल के अंदर। रिलेटिव इंडेक्स में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है जाके वॉल्यूम 2 शेड्यूल के अंदर, ठीक है, जो कि अभी तक हमने करा है। तो वॉल्यूम 3 से अगर कोई सा भी नंबर मिलता है तो उसको हमको जाकर शेड्यूल में चेक करना है, ठीक है। लास्ट यहाँ पर क्या है, लास्ट जो है कि अगर आप कोई सा भी सर्च कर रहे हैं टॉपिक, तो वहाँ पर आपको 3 तरह की डायरेक्शन मिल सकती हैं। जैसे कि पहला हो सकता है सी, दूसरा हो सकता है सी ऑल्सो, और तीसरा हो सकता है अदर आस्पेक्ट सी। तो कहने का मतलब है ये कह सकता है कि अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये देख लो, ठीक है। तो इसे अभी हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे जब इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्शन था। अब देखिए आपको एक दो टॉपिक लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर कैसे हमको इसको यूज़ करना है। तो चलिए एक बार पहले मैं ना एक टॉपिक लेता हूँ जो हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अभी शायद लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक करा था एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, है ना, एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज बनाई थी। तो एक बार याद कर लेते हैं भाई कैसे बनाई थी। उसके लिए हमने सबसे पहले टॉपिक लिया, देखा टॉपिक क्या है हमारा, एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज है। अब इसको ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है जर्नलिटीज़ के अंदर 000 में। फिर इसको हमने सर्च करा था भाई जर्नलिटीज़ के अंदर, देखा था सेकेंड समरी में। तो सेकेंड समरी में जर्नलिटीज़ में लाइब्रेरीज कहाँ पर आती हैं, देखें लाइब्रेरीज आती है 020 में, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइज। फिर हम इसके अंदर गए थे 020 के अंदर, तो 020 के अंदर हमको मिला था 027 जो कि है जनरल लाइब्रेरीज, पर यहाँ पर वो नहीं है, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं था। फिर हमने इससे ऊपर वाला देखा 026 जो कि था लाइब्रेरीज फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब एग्रीकल्चर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर 026 में गए थे हम। और फिर 026 को हमने ओपन करा, फिर वो वहाँ पर कह रहा था कि आपको जो है अगर किसी सब्जेक्ट को ऐड करना है तो आप उसको आगे ऐड कर दीजिए उसके नंबर को, ठीक है। चलिए एक बार दिखाते हैं खोल के, ये देखें ये मैंने ओपन कर लिया है 026 शेड्यूल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं 026 है क्लास नंबर, और ऊपर ये रहा 025 वाले पेज पर है। अगर पेज नंबर बात करें तो पेज नंबर 30 है शेड्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास जो है आप कर सकते हैं किसी भी स्पेशल लाइब्रेरी की। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि आप कोई सा भी जो नंबर है 001 से लेके 999 तक ऐड कर सकते हैं इस नंबर में। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जो कि मेडिकल लाइब्रेरी का है 026.61, ठीक है। 0.61 जो है वो मेडिकल लाइब्रेरीज़ का होता है 0.610, तो यहाँ पर हमें 0 नहीं लगाना है, 0 के अलावा उसके नंबर लगाने हैं। तो इसी तरीके से अगर आप नंबर देखते हैं किसका, एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का नंबर है 630, ठीक है, दिखा देता हूँ वो भी। तो 630 की जगह हमें 63 लगाना है, तो नंबर हो जाएगा 026.63। अच्छा एक बार उसका नंबर दिखा देते हैं एग्रीकल्चर का भी, ये देखें, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हमें वो टेक्नोलॉजी में मिलती है, और इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा 630, ठीक है, एग्रीकल्चर का नंबर। तो यहाँ पर हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, 63 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें एग्जांपल बता रखा है कि मेडिकल साइंस के लिए उन्होंने जो नंबर लगाया उसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल साइंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेडिकल साइंस भी यहीं पर ही है, ये देखिए 61, ठीक है, 610 जो है वो मेडिकल साइंस का है, वहाँ पर 61 लगा हुआ था। ओके, तो अब देखिए अब हमें रिलेटिव इंडेक्स में इसको कैसे सर्च करना है। अब इसमें इतना टाइम लगाना, अब देखिए रिलेटिव इंडेक्स में आसान है, केवल आपको जाना है ए में, और ए में जाकर फिर देखना है ए जी आर आई, इस तरीके से एग्रीकल्चर पूरा सर्च कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एग्रीकल्चर को सर्च किया है रिलेटिव इंडेक्स पर, आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर यहाँ पर है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी विषय होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ है, फाइनेंस है, तो इस तरीके से ये सारे हैं, और आपको यहाँ पर सर्च करना है लाइब्रेरी को। तो आप यहाँ पर देखते जाइए, आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। अच्छा इस पेज पर इसकी लाइब्रेरी नहीं है। अच्छा पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर है 22, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। और इस पेज पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट पेज पर सर्च करना है। नेक्स्ट पेज पर भी एग्रीकल्चर कंटिन्यू है, तो एग्रीकल्चर में इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पॉल्यूशन है, प्राइस है, प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है मेरे को लाइब्रेरी, और यहाँ पर आपको ये इसका सीधा नंबर भी दिख रहा है जो कि पहले से ही बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये रहा नंबर इसका एग्रीकल्चर का, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
जो कि अभी हमने बनाया है शेड्यूल में, तो इसीलिए ये भरोसे लाया गया, भरोसा करा जा सकता है, देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको सीधा बना के दिखाया है। तो 02.63 इसका नंबर है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पहले यहाँ पर लाइब्रेरी का नंबर सर्च करना है और फिर उसको ओपन कर लेना है शेड्यूल में, और जब आप 026 ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर डायरेक्शन मिल जाएगी और इस तरीके से आप इसका नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल था, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है अवधी लैंग्वेज, ठीक है। अवधी भाषा जो होती है हिंदी में होती है अवधी भाषा, वो हमारा एक और एग्जांपल है। तो अवधी भाषा देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए जैसा कि हिंदी की डिक्शनरी होती है ना, सेम वैसे ही आपको इसको मानना है, बस यहाँ पर शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं, उससे रिलेटेड क्लास नंबर बता रखे हैं। अब देखिए ये ए जी है, ठीक है, जी के बाद ही आता है डब्ल्यू, तो इसके लिए आपको आगे के पेजों पर जाना है और सर्च करना है अवधी लैंग्वेज, ठीक है। तो अवधी हम सर्च करेंगे, चलिए आगे चलते हैं आगे के पेजों पर। ये देखिए दोस्तों पेज नंबर 87 पर हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे को मिल गया है अवधी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अवधी लैंग्वेज, ठीक है। अवधी के लिए ये रहा ना अवधी, ये अवधी यहाँ पर, ठीक है। तो अवधी के लिए यहाँ पर एक डायरेक्शन दे रखी है, कोई क्लास नंबर यहाँ पर इसके सामने नहीं बता रखा है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में लिखा हुआ है सी ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, वहाँ पर वो कह रहा है सी ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं या फिर आप पेज नंबर पर इसको ओपन कर सकते हैं। तो अवधी लैंग्वेज के आगे एक डायरेक्शन है कि सी ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, तो आपको ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज को सर्च करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ईस्टर्न पर जाना है अब और आगे के पेजों पर। ये अभी हम ए पर हैं, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है, डी ई। तो इस तरीके से आपको आगे जाना है और आगे जाकर ई पर ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज को सर्च करना है। तो चलिए आगे के पेजों पर चलते हैं, अवधी से यहाँ पर हमारा काम नहीं बना तो हमको वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों 329 पेज नंबर पर हमको मिल गया है ईस्टर्न, ठीक है, ऊपर है ईस्ट और इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ईस्टर्न। अब ईस्टर्न से रिलेटेड क्या है कि ईस्टर्न से रिलेटेड जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो दो तीन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कंसेप्ट ये है। तो इसी तरीके से आप पेज में नीचे आएंगे तो नीचे के पेजों में आपको मिल जाएगा हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है हिंदी लैंग्वेज एरा, तो ये जो हिंदी लैंग्वेज है इससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने दो क्लास नंबर दिए हैं, ईस्टर्न, एक तो ये हो गया मेन क्लास हो गई हमारी ईस्टर्न, ईस्टर्न के अंदर हम हैं हिंदी लैंग्वेज पर। तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर दो क्लास नंबर इन्होंने दिए हैं, एक दिया है लिंग्विस्टिक का और एक दिया है लिटरेचर का। ओके, इसको थोड़ा जूम करते हैं क्लियर सा, तो ये देखिए ये इससे ज़्यादा तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज है जो कि ईस्टर्न के अंदर है, और यहाँ पर आपको दो नंबर मिल रहे हैं, एक नंबर मिल रहा है ये वाला जो कि है लिटरेचर का, और दूसरा नंबर आपको मिल रहा है जो कि है लिंग्विस्टिक का यानी कि भाषा का। तो यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर आपको अवधि तो नहीं दिया ना इन्होंने, अवधि का तो नंबर नहीं है, तो आप इसको अवधि के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें पता है कि अवधि जो है वो हिंदी भाषा से रिलेटेड है, और अगर नहीं भी पता है तो हमें वहाँ पर डायरेक्शन दी गई थी कि आप देखिए ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, तो इसीलिए हमको इसको ओपन करना है। तो लिंग्विस्टिक वाले नंबर को ओपन करना है जो कि है 491.49, तो इसको हमको ओपन कहाँ पर करना है, ओपन करना है दूसरे वॉल्यूम में जो कि दूसरी बुक है जिसका नाम है शेड्यूल। तो शेड्यूल में आप ओपन करेंगे आसानी से, ऊपर जो पेज नंबर है वहाँ पर लिखे हुए होते हैं क्लास नंबर, तो उसके हिसाब से आप इसको ओपन करते जाइए। तो ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 491, तो ये 491 है, ये देखिए 491, तो 491 के अंदर हमको जो क्लास नंबर ओपन करनी है वो कौन सी करनी है, 491.49, ठीक है। तो 0.49 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 0.49, ये यहाँ पर दूसरे पेज पर। तो इसमें आप देखेंगे और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, हम जूम करके देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है 0.49 के अंदर कौन कौन सी भाषा मिल रही है, इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं भाई। देखिए नेपाली लैंग्वेज के लिए भी यही नंबर है, पहाड़ी लैंग्वेज के लिए भी, हिंदी के लिए भी यही है। अब ईस्टर्न हिंदी में कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही है, यहाँ पर ईस्टर्न हिंदी में आ रही है अवधी आ रही है, छत्तीसगढ़ी आ रही है, और ये बघेली आ रही है, ठीक है। तो यानी कि इन सब का क्लास नंबर एक ही बनेगा जो कि है 491.49।
तो एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये ऊपर आप देखेंगे 491 है क्लास, ठीक है। ऊपर की जो क्लास है वो है 491, और 491 के अंदर हमें जो क्लास चाहिए वो कौन सी चाहिए, हमें चाहिए 0.49, जो कि किसके लिए चाहिए हमें, अवधि के लिए। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था, हमें वहाँ पर जाना है, बस अवधि सर्च करना है। अवधि पे अगर आपको नंबर मिल जाता है तो आप यहाँ पर ओपन कीजिए। हमें वहाँ पर नंबर नहीं मिला, तो नहीं मिला तो वो वहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन दे रखी है कि इस वाली चीज़ को सर्च कीजिए, तो उसको हमने ओपन करा, तो वहाँ से हमें जो क्लास नंबर मिला उसको हमें यहाँ ओपन करना है और डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेना है। यहाँ पर देखिए कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको सीधा यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं अभी, और धीरे धीरे आगे चलते चलते लेवल बढ़ाएंगे। अभी देखिए अभी हमने टेबल का यूज़ नहीं किया है, लेकिन टेबल का यूज़ नहीं भी किया है तो भी हमारा जो सिलेबस है लगभग 75% कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, 75% आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, बस केवल 7 जी हाँ केवल 7 टेबल बची हैं, वो भी आसानी से हो जाएंगी, ठीक है, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, और जो एग्जांपल है वो है करिकुलम इन पॉलिटिकल साइंस। एग्जांपल है करिकुलम इन पॉलिटिकल साइंस। तो आपको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप या तो पॉलिटिकल साइंस में करिकुलम देख लीजिए अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि हम तो भाई शुरुआत से ही आ रहे हैं, तो शुरुआत से ही इसको सर्च मिल जाएगा करिकुलम। तो करिकुलम एक बार देख लेते हैं, करिकुलम में पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, है ना। तो एक बार करिकुलम को ओपन कर लेते हैं। चलिए ये देखिए करिकुलम आपको इस पेज पे मिल जाएगा, पेज नंबर है 272, और इसी तरीके से आप आएंगे, देखिए सी यू आर आर पे हम, तो आर आर ए है अभी, फिर ऐसे ही करते करते ई आ गया, अब ऐसे ही करते करते आई आ जाएगा, तो बस ये रहा करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम पे आ गए हम, ठीक वैसे ही यूज़ करना है जैसे इंग्लिश डिक्शनरी को करते हैं, बस सिंपल है। तो देखिए करिकुलम और करिकुलम से रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देखें तो करिकुलम जो है वो ख़त्म हो गया है भाई, ठीक है, अगला टॉपिक शुरू हो गया है। तो खैर फिर भी हमें यहाँ पर करिकुलम का नंबर मिल जा रहा है जो कि है 375। करिकुलम का नंबर क्या है, 375। तो क्योंकि आपको सीधा डायरेक्ट करिकुलम का नंबर, आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, चलिए इसी को ओपन कर लेते हैं शेड्यूल के अंदर, करिकुलम, ठीक है, 375 को आपको ओपन करना है शेड्यूल में। तो दोस्तों ये देखिए हमने करिकुलम को ओपन कर लिया है शेड्यूल के अंदर। अब यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस को देखना है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस मिल रहा है तो वो देखिए। अब देखिए 375 पर हम हैं, और 375 में आपको पॉलिटी मिल रहा है, ठीक है, इलेक्टिव कोर्स हैं, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, कंज्यूमर एजुकेशन है, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आपको बता रखा है भाई इन्होंने, ऐड कर लीजिए कोई सा भी नंबर 010 से 990 तक टू द बेस नंबर 375। तो ये जो 375 है इसके अंदर कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है करिकुलम इन हिस्ट्री, तो करिकुलम इन हिस्ट्री के लिए इन्होंने जो नंबर ऐड करा है वो क्या है, वो नंबर है भाई 375.9। अब देखिए जो हिस्ट्री है वो 900 में है, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ से 20 उन्होंने हटा दी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस देखना है, और पॉलिटिकल साइंस का जो नंबर होता है आई थिंक 320 होता है, तो वहाँ से आपको 0 हटा देना है। चलिए पॉलिटिकल साइंस देख लेते हैं, हमको मिल गया है 375, तो 375 हो गया है करिकुलम का। अब आपको इसके लिए अंदर पॉलिटिकल साइंस का नंबर ऐड करना है। तो चलते हैं थर्ड समरी पर, जो समरी है वहाँ पर चलते हैं, समरी पे हमको पॉलिटिकल साइंस का नंबर मिल जाएगा। अच्छा अदरवाइज आप चाहें तो जो शेड्यूल है या फिर जो रिलेटिव इंडेक्स है वहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस का नंबर देख सकते हैं, बस हमें पॉलिटिकल साइंस का एक नंबर चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का नंबर क्या होता है ये आपको मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा ये आपको मिलेगा तीन समरी में आसानी से। तो तीन समरी को ही देख लेते हैं। तो भाई देखिए तीन समरी पे हैं, अब पॉलिटिकल साइंस कहाँ आता है, सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस को देखेंगे इसमें। तो सोशल साइंस में आपको पॉलिटिकल साइंस का नंबर मिल रहा है ये देखिए 320, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ये दिख रहा है ना 320, तो 320 को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे बस। तो हमें 320 में 0 नहीं लगाना है, 0 को हटा देना है, उसके बाद लगाना है 32, ठीक है। तो 32 आपका लग गया और नंबर आपका क्या बन गया, 375.32। तो ये आपका हो गया करिकुलम इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है।
अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो एग्जांपल है वो है क्या लें, चलिए लेते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट्स। तो ब्लैंकेट्स वाला जो नंबर है वो हमें देखना है। अब देखिए टेक्नोलॉजी में आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल सकता है पर ब्लैंकेट्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैंकेट्स है वो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो नहीं है। आपको ब्लैंकेट्स अगर सर्च करना है तो आपको रिलेटिव इंडेक्स में अलग से ही सर्च करना पड़ेगा। तो ब्लैंकेट्स को आपको बी में सर्च कर लीजिए और बी के अंदर आइए, पहले ए का हो सकता है फिर एल का मिल जाएगा, ठीक है, बी एल, तो इससे रिलेटेड आप आते जाएंगे और आपको ब्लैंकेट्स दिख जाएगा, ठीक है। तो ब्लैंकेट्स का नंबर देखिए, ये देखिए दोस्तों हमने रिलेटिव इंडेक्स पे ओपन कर लिया है ब्लैंकेट्स को, जो कि आपको मिलता है पेज नंबर 120 पर, और 120 पर ये देखेंगे आप ये बी एल के आए हैं, फिर ए का आ गया, फिर इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे, ए के अंदर ही बी एल ए के अंदर ही आपको ये दिख रहा है ब्लैंकेट्स, ठीक है। तो ये जो ब्लैंकेट्स है इसका आपको क्लास नंबर मिल गया है, पर आपको यूज़ कौन सा करना है ब्लैंकेट्स में। अब ब्लैंकेट्स तो हाउस इक्विपमेंट के अंदर भी है, ठीक है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के अंदर, तो हमें हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स तो नहीं चाहिए। हमको ब्लैंकेट्स कौन सा चाहिए, हमको चाहिए टेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट्स। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी किस चीज़ की होगी, ब्लैंकेट्स की किस चीज़ की टेक्नोलॉजी होगी, मैन्युफैक्चरिंग की होगी। तो आपको इसके वो ओपन कर लेना है, कहाँ पर ओपन करना है, शेड्यूल के अंदर। तो आपको देखिए नंबर मिल गया, नंबर क्या है 677.626, क्या नंबर है 677.626। तो आपको शेड्यूल के अंदर जाना है, 677 को ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है 0.26, तो वो आपको बता देगा भाई किस चीज़ का नंबर है। अच्छा आप देख लेते हैं एक बार, शेड्यूल ओपन करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों हमने शेड्यूल में ओपन कर लिया है 677, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, और ये टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है और ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ रहा है, मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर हमारे काम का हो सकता है। अच्छा अब हमें यहाँ पर क्या करना था, 677 में हमको सर्च करना था 0.26, ठीक है, 0.626 को आपको सर्च करना था। समरी यहाँ पर दे रखी है, समरी आप देख लीजिए, तो समरी आपको यहाँ पर दिखेगी, तो ये देखिए 0.6 जो है वो स्पेशल प्रोसेस फैब्रिक रिगार्डलेस ऑफ कंपोजिशन। तो क्लास नंबर बनाने के लिए आप आ जाइए और 0.6 देखिए, 0.6 यहाँ से शुरू हो रहा है ये रहा, ठीक है, और 0.6 के अंदर आपको क्या चाहिए था, 0.626 चाहिए था हमको, ठीक है। तो कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखें 0.626 ये रहा, ठीक है, 0.626 ये यहाँ पर ब्लैंकेट्स, लैप रोब्स और कवरलेट्स के लिए है, ठीक है। ओके तो ये हमारा जो नंबर है वो बन जाता है ब्लैंकेट्स, यहाँ पर आ रहा है। अब कहाँ पर आ रहा है ब्लैंकेट्स, तो ब्लैंकेट्स आप यहाँ पर देखें तो मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आ रहा है, और मैन्युफैक्चरर्स जो है ये टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी है 600 वाली। तो ये पूरा जो क्लास नंबर हमारा बन जाता है वो बन जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ब्लैंकेट्स। तो मैन्युफैक्चरर्स ब्लैंकेट जो है हमारा वो पूरा हो जाता है यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए हमारा नंबर क्या बन गया, हमारा नंबर बना 677.626। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी बार एग्जांपल लें, क्या लें एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमिस्मैटिक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब भाई ये कैसा एग्जांपल है, ये तो समझ में नहीं आया है ना, न्यूमिस्मैटिक। देखिए न्यूमिस्मैटिक अगर हमें, वैसे पहली बात तो हमें देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ का अगर टॉपिक दिया गया है तो हमें उसका नंबर मतलब जो है वो हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आसानी से उसका मतलब सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर पेपर दे रहे हैं तो नंबर उसका मतलब पता होना नहीं पता होना कोई आपको मायने नहीं रखता है, आपको उसका क्लास नंबर वहाँ पर बनाना है। तो यहाँ नहीं है अब न्यूमिस्मैटिक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको रिलेटिव इंडेक्स में गोल्ड कॉइन सर्च करना है और ये जो कंसेप्ट होगा आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो हो सकता है ये शायद उससे पढ़ने से संबंधित, अगर आप गोल्ड कॉइन से संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हो सकता है ये। बाकी आप एक बार सर्च कीजिएगा और सर्च करके कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि न्यूमिस्मैटिक्स का क्या मतलब होता है।
चलिए खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमें गोल्ड कॉइन्स सर्च करना है, तो आप जाइए गोल्ड पर, तो गोल्ड में आपको गोल्ड कॉइन्स मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड अगर नंबर होगा तो पता चल जाएगा। चलिए खैर देखिए ये हमने रिलेटिव इंडेक्स में ओपन कर लिया है पेज नंबर 448 और इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो आपको गोल्ड से और इस तरीके से आप नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिला गोल्ड। ठीक है, मैंने बताया था ना जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड है अगर तो हमें उसे एसिड में ओपन करना है, तो इस ठीक इसी तरीके से गोल्ड कॉइन्स है तो आपको उसे गोल्ड में ओपन करना है। अब देखिए गोल्ड तो हमें आधा नंबर नहीं है, हमें गोल्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉइन्स। ठीक है, तो गोल्ड से रिलेटेड अब देखिए ये है गोल्ड, गोल्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा, कॉइन्स वाला। कॉइन्स के अंदर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, जो कि चाहिए न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, तो ये न्यूमिस्मैटिक को आपका सीधा नंबर दे रहा है आपको 737.43। तो आपको इसको ओपन कर लेना है, कहाँ पर ओपन करना है, आपको इसको ओपन करना है शेड्यूल के अंदर। चलिए शेड्यूल में आप इसको ओपन कीजिए, ये देखिए दोस्तों ये हमने ओपन कर लिया है 737 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको हमें जो नंबर चाहिए था वो चाहिए था 0.43, तो 0.43 गोल्ड कॉइन्स का है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या था, न्यूमिस्मैटिक था। ठीक है, किसका, गोल्ड कॉइन्स का, तो ये हमारा क्लास नंबर बन गया जो कि बना 737.43। तो अब आप इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा मतलब क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। बाकी इसका मतलब कुछ मुद्रा शास्त्र इस तरीके का ही होगा जहाँ तक अंदाजा है। खैर चलिए, तो देखिए इस तरीके से हमने समझा आज की रिलेटिव इंडेक्स को कैसे यूज़ करना है। आपको वहाँ से एक नंबर मिलेगा, वो नंबर जो है ज़्यादातर जो है सटीक होता है, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है सलाह दी जाती है कि आप उसको एक बार शेड्यूल के अंदर ओपन कर लें और फिर उसको यूज़ कीजिए। तो ये जो हमारे नंबर हैं ये हमने डायरेक्ट बना लिए। ठीक है, सीधा बने बनाए हमें नंबर मिल गए और हमने इनको यूज़ कर लिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।